भी हम बनाई बना रहे हैं। खोलो राजेश। हाँ खोलो ये खोलो राजेश वो खोलो ये बेटा लाओ जरा बोलते हो हम बनाओ। और तरबूज निकाल काटो सब फटाफट। आज आप लोग जैसा देख रहे हैं नाना राव मिस्कर घाट पर हमारे अशोक महेश्वरी जी बाबा जी जो आज गन्ने का जूस लाए हैं जो गायों को और सभी को बंदरों के लिए ये गन्ने का जूस आया है। और ये हमारे बाबा जी हैं जो डेली आनंदेश्वर घाट से लेके और जाज मऊ तक तरबूज सब निकाल के रखो। और देखिए बंदरों के लिए हमारे गायों के लिए तरबूज आया हुआ है और इसमें हमारे बाबा जी के साथ में साहब आइए इधर आइए साहब इधर आइए। आज इस कार्यक्रम में हमारे बाबा जी के सहपाठी हमारे एक साहब हैं वो भी साथ में जुड़े हुए हैं कि थोड़ा आज इनके साथ में हम भी पुण्य ये कमाएं। और देखिए ये देखिए आप ऐसा नहीं है जो अपने घरों में लोग खाते हैं उस ढंग का ये फल मंगाया गया है। ये रस पिलाओ यार जरा सर आओ 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 रस रखो तो समझ में आएगा इस रस जरा सा हाथ से पिलाओ तब एक बार स्वाद लग जाए तो रख दो रख दो अपने आप काट के पी जाए। बाबा जी ये मानिए अशोक जी आप ये डेली 30 दिन ऐसे ही कार्यक्रम करते हैं 12 महीने। अच्छा जी तो इसका आपका कुछ उद्देश्य होगा गरीबों में? नहीं नहीं जानवर लोगों बेचारे भूखे प्यासे रहते हैं। अच्छा बिल्कुल जैसे मथुरा में चलता है नियम वही नियम आप यहाँ पे हाँ। ये बड़ा एक आपका जानवरों पर गरीबों पर एक उपकार है आपका और हम लोग इससे बड़ी आपकी प्रशंसा करते हैं और हम लोग आपको याद करते हैं। अभी बाबू ने हमारी भी मदद करी है। रस पिलाओ यार रस पी नहीं रहे। और यहाँ पर देखिए आप सभी लोग लग जाते हैं जो बाबू के सेवक लोग हैं ये सभी सेवक लोग देखिए ये काट रहे हैं। ये देखिए आप चारों तरफ यहाँ पर ये देखिए कलिंगे कट रहे हैं और निकाल दे तरबूज। अरे तुम वहीं से ले लेना यार ले लेना। और ये हमारे बाबा जी जो हैं जो यहाँ पर देखिए तरबूज का वितरण और शरबत का वितरण चल रहा है। ये गन्ने का जूस जो लाया गया है ले ले ये लंबो ये गन्ने का जूस इधर लाओ थोड़ा सा या ये यही लोग उद्घाटन करें ले। बारो मास जो है बाबूजी का नियम चलता है और बाबूजी का कहना है कि हमारे इस चीज को आप लोग पेपरों पे मत डालें। देखिए एक बच्चा था जिसका हाथ वो हुआ जिस बाबूजी ने पूरा इसका ऑपरेशन करा के देखिए इस बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया कि ये फिर से अपना कमाए खाएगा। मेरे बच्चों का एडमिशन तो करा और पैरों पे दिखाओ तो बढ़िया सब पूरा दिखा रहे हैं भैया इसको देखेगा भी आप इंग्लिश मीडियम में कराया है बालों में बच्चे फेवर है बच्चे खराब अरे बच्चों दे देंगे अभी सही वाला जमीन दे दो देखे यहाँ पर जमीन बंद हो यार चल रहा है भैया बन चल रहा है
काला बाबा दिमाग नहीं काम कर रहा क्या? कैसे काटोगे? मार ऐसे करके लंबा लंबा काट, फिर उसका खाकी बना दे। जब मारेंगे चिकन तुरंत मुंह पे लग जाएगी। नहीं कट रहा एक तरबूज बचा लेना, बच्चों को बांट देना। अरे बाकी बाकी खाइए बाबा। आओ बड़े बड़े उधर दूध डालो बंदरों को, ये निकाल लो सबको बांट दे। अब ऐसे में यार यही डालो बच्चे बुलाओ। खड़ा रखो अरे अभी ये काटा जा रहा है ना, क्यों परेशान है यार? ये कभी कटेगा बटेगा उसमें सबको। ये नंबर तरबूज है वाला लोग कट हां नहीं नहीं ये रखा ना कटवा दो। अरे इसको दे दो यार, नहीं टुकड़ा दे दारू पी लियो का दिनो। अरे नहीं तो बच्चे रह के वो कटा ये जा मैं बंद कर दूंगा खा लेगा। लंबू तिरछा करके काटो तो कटेगा, चक्कू खराब हो जाएगी फिर। यार पीते बहुत बढ़िया मगर पता नहीं क्या प्यास बढ़ जाती है। ये उधर रख दो तो आराम से पीते रहेंगे। बाल्टी बंद है बाकी है तरबूज लोगों को नहीं मिला। उधर उधर दो उधर उधर दो ले जाओ गुड्डू यार उधर दे के आओ। पकड़ा दो पकड़ा आया आए बाबा। ये परात उधर रखो ये परात उधर रखो तो आराम से पिएंगे। बाल्टी लाओ अब भरो इसमें भरो ले जाओ राजा चक्कू लो सबसे वहां रख दो देखो फिर उसके पास चाकू है फिर है कि नहीं तो एक बार मुंह लगा दे बाबू पहले मुँह लगा दे। देखो आप भैया भैया
ये बड़ा वाला पीरा ठंडा है, चल रहा था एसी गाड़ी में। अरे गुड्डू दो बाल्टी डाल के धुलवा देना बेटा। ठीक है कल्लू धुलो को धुल देगा। बहुत गजब का लाओ चाकू दे आदमी बड़ी वाली। ये कौन हो गया यार? एक कट आने ना अरे भाई मिठाई हां साहब लाला के तो पहले फिर बोकल की तरह बहुत नमक डाल लो बहुत मजा आ जाएगा। नमक मीठा भी बहुत है भैया समझे? काला नमक डाल दो तो और मजा आ जाए। ये चक्कू लो भैया। दो